अलवर में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव अपने बेटे मोहित यादव पर हुए कथित जानलेवा हमले के विरोध में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। जसवंत यादव का आरोप है कि विधायक बलजीत यादव ने अपने गुंडों से उनके बेटे मोहित पर जानलेवा हमला करवाया था। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनके बेटे पर हमला करने वाले गुंडों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। एक स्कॉर्पियो थी, एक ब्रेजा थी, जैसा लोगों ने बताया मुझे। उसमें गुंडे सब तरह के हथियारों से लैस थे और उन्होंने एकदम गाड़ी आगे अड़ा दी। इतना ड्राइवर ने हमारे ब्रेक भी लगाए तो टायर भी फट गया आगे लगा करके। पहला उन्होंने नारा दिया बलजीत जिंदाबाद, और फिर उन्होंने चेतावनी दी कि आप बहुत ज़्यादा बातें उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा भैरोड के अंदर भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हो, और बलजीत खिलाफ़ बोलने का आज हम आपको अंजाम देते हैं। ये आपका आखिरी वर्ड था कि इसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहोगे, और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शर्म की बात तो यह है कि इस तरह कायराना हमला करके क्या विधायक महोदय सीख देना चाहते थे। पूर्व मंत्री के बेटे मोहित यादव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने भी खुद पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों को विधायक बलजीत यादव का ही साथी बताया है। कितने लोग थे? 12-13 लोग। किसकी चीज था हमला किया आपने? क्या क्या थे उनके पास? सरिये वरिये थे, रॉड्स थी, लकड़ी था, बराती वगैरह थी। वहीं खुद पर लगे आरोपों को विधायक बलजीत यादव सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए पूर्व मंत्री उन पर इस तरह के शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं। सोडावास चौकी में जाके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, और फिर बाद में फोन आता है घर से, और फिर वो वहां नहीं एक्सीडेंट की रिपोर्ट दे करके, और फिर बहरोड आता है और कहता है मुझ पर हमला हुआ। खुद के स्टेटमेंट में पहले कहता है गाड़ी में 3 लोग थे, फिर थोड़ी देर आधा घंटे बाद कहता है 5-6 लोग थे, फिर आधा घंटे बाद कहता है 10-12 लोग थे। मतलब झूठ पे झूठ, खुद के स्टेटमेंट से ही ये पता लगता है कि ये फ्रॉड लोग हैं, और झूठी सहानुभूति लेने के लिए अब ये ऐसे हथकंडों पे आ गए हैं। लेकिन जनता इनकी फितरत को जानती है, और जो पुलिस जांच होगी ना, इन्वेस्टिगेशन, उसमें सामने आ जाएगा। और 182 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव और उनके बेटे मोहित यादव की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और उनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। बिल्कुल, इसके लिए टीमें गठित कर दी गई है, और सभी स्थानों पर पूरे जिले में और संदिग्ध क्षेत्रों में भी नाकाबंदी कर दी गई है, और उम्मीद है कि शीघ्र ही जो बदमाशान है उनको आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? अभी कुछ निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो पर उम्मीद है कि कुछ न कुछ सफलता शीघ्र मिलेगी। पूर्व मंत्री का विधायक पर हमला करवाने का आरोप और विधायक का कुछ और ही बयान मामले को संदिग्ध बना रहा है, लिहाजा किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले पुलिस अपनी जांच के जरिए सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।